और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, हरिद्वार से आ रही है। चिड़ियापुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। जी हां, चिड़ियापुर में स्थित कोटावली नदी में एक भारत पेट्रोलियम का टैंकर बह गया है। बताया जा रहा है कि नदी में पानी काफी ज्यादा था और बहाव भी तेज था। बाढ़ के पानी के बीच टैंकर का केवल ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा है। हरिद्वार से बड़ी खबर, ये देखिए, भारत पेट्रोलियम का टैंकर नदी में बह गया। संजय पुंडीर जुड़े हैं संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, नदी में भारत पेट्रोलियम का ये टैंकर बहता हुआ नजर आ रहा है, कैसे हुआ है ये हादसा? जी आपको बता दूं, ये हरिद्वार जनपद का मामला है। आपको बताना चाहूंगा कि हरिद्वार में कोटवाली नदी पड़ती है, जिसके अंदर लोग ये नदी पार कर रहा था, इसी कारण नदी का बहाव बढ़ गया। फिर टैंकर देखते ही देखते बहाव बढ़ने के कारण नदी में बह गया। आपको ये बताना चाहूंगा कि चार लोग सवार थे, इसमें गनीमत रही कि उनकी जान को कोई नहीं हुआ, भागकर उन्होंने अपनी जान बचा ली है। जी, लेकिन आखिर ये नदी में जो टैंकर बह रहा है, यहाँ न पुल नजर आ रहा है, न किसी तरीके की कोई ऐसे रास्ता नजर आ रहा है जहाँ से ये ट्रक जा रहा था, टैंकर जो है जा रहा था, लेकिन कैसे एकाएक ये बीच नदी में ऐसे बहता चला गया? संजय जी आपको बताना चाहूंगा, ये नदी है, इन दिनों बारिश का मौसम है, काफी बारिश का मौसम रहता है, भारी चढ़ावा रहता है, और ये नदी को रोड पार रोड क्रॉस करने का रोड निकलता है, जिसके कारण ये क्रॉस कर रहा था और कम पानी था उस समय, देखते ही देखते भाव बढ़ गया और ये नदी में डूबता चला गया। बिल्कुल, क्या संजय अब इस टैंकर को निकाला गया पानी से या अभी भी ये बहता हुआ ही खिलौने की तरह नजर आ रहा है? निकालने का प्रयास लगातार जारी किया जा रहा है, लगभग लगभग कुछ ही देर में ये निकाल लिया जाएगा। संजय, ये भी जानना चाहेंगे, जिस समय ये टैंकर बहा है नदी में, क्या टैंकर में पेट्रोलियम पदार्थ मौजूद था या फिर ये टैंकर खाली था? जी आपको बताना चाहूंगा, पेट्रोल पदार्थ मौजूद था और कम मात्रा में मौजूद था, इसी कारण वजन भी कम था उसमें, इसलिए नदी के बहाव में बह गया। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर, ये हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक भारत पेट्रोलियम का टैंकर जो है नदी में खिलौने की तरह बह गया। नदी का बहाव देखिए, तेज बहाव में ये टैंकर जो है खिलौने की तरह बहता हुआ नजर आया। हालांकि जो लोग इसमें मौजूद थे, चार लोग बताए जा रहे थे, उन्होंने किसी तरह से अपनी जान बचा ली।